हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। दिस केस सिनेरियो बेस्ड ऑन लीग अंडर इंड एस 116। अवर मेजर टॉपिक इज री मेजरमेंट ऑफ आर आई यू एस एक्ट एंड लीग लाइबिलिटी ड्यू टू मोडिफिकेशन इन लीग पेमेंट। सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन दिस सिनेरियो। सो वी आर गिवन एंटिटी ए एंटर्स इनटू अ 3 ईयर लीज ऑफ अ प्रॉपर्टी विद एनुअल लीज पेमेंट ऑफ ₹50,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई गया कि लीज पेमेंट विल इंक्रीज एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI एंड फॉर द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। लेस इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 5% पर एनम। लेस एक्सपेक्ट्स टू कंज्यूम द राइट ऑफ यूज एसेट्स इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इवनली ओवर द लीज टर्म। रिकॉग्नाइज द लीज ट्रांजेक्शन फॉर एंटिटी ए एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर डिफरेंट ईयर्स इज गिवन। फॉर 0 पीरियड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 125, इन फर्स्ट ईयर की 135, सेकेंड ईयर 150, थर्ड ईयर की 160। फिर आपके पास डिफरेंट MCQs हैं। देयर आस्किंग डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी फॉर ईयर वन ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीज रैंक इन द बुक्स ऑफ एंटिटी ए हु इज लेसी। सिमिलरली सेकेंड MCQ डिटरमिन अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी फॉर ईयर वन ईयर टू ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीज रैंक इन द बुक्स ऑफ एंटिटी ए। थर्ड MCQ देयर आस्किंग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन ROU एसेट फॉर ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री रिस्पेक्टिवली। तो पहले फुल क्वेश्चन डिस्कस करके हैं, देन वी विल सी MCQ को। आपको जो मेंशन किया है इसमें, सो एंटिटी ए हैज टेकन प्रॉपर्टी ऑन लीज। सो दिस लीज रैंक इज गिवन, ओरिजिनल लीज रैंक 0 टाइम पीरियड जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड। तो आपको लीज पेमेंट हमें मेंशन की है, तो दिस विल बी इन रुपीज, अमाउंट आपका रुपीज में है जैसे ये 50,000 एवरी ईयर। और जो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट मीन्स लेके से जिस आर वो आपको मेंशन किया है, आर की गिवन 5%। अब फर्दर लीज रेंट आपका राइज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ पास्ट 12 मंथ्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको मेंशन किया है, सो इन 0 टाइम पीरियड, जिसे 0 पीरियड, सो हेयर इट इज 125। सो जिसे 125 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 135, देन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जिसे 150, एंड देन इट इज 160। तो इट मीन्स अब ये जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो उसके बेस पर जो आपकी वैल्यू है लीज रेंट की, वो चेंज हो सकती है। तो वट विल बी अवर रिवाइज द लीज रेंट और वी कैन से लीज पेमेंट। तो फिर फर्स्ट ईयर में को हम 50 ही पे करेंगे, जो भी आपका पास्ट 12 मंथ्स का इंडेक्स सेम है 125, इट मीन्स 50,000 ही रहेगा आपका। इसको रिवाइज कर लेंगे, इसको हमने रिवाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 12 मंथ्स इंडेक्स। तो 12 मंथ्स का इंडेक्स जो है 135, सो दिस विल बिकम नाउ 50,000 वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 125। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 135। सिमिलरली हेयर, सो दिस इज 50,000, सो दिस इज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 125। अब पास्ट 12 मंथ्स का इंडेक्स हो गया आपका 150, व्हाट विल बी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 150। उस तरीके से आप पहले लीज रेंट कैलकुलेट कर लीजिए, 50,000 इंटू 135 डिवाइड बाय 125 जिसे 54,000, एंड जिस मनी जो 50,000 इंटू 150 डिवाइड बाय 125 जिसे 60,000। उस मीन्स अब आपके और ये ओरिजिनल लीज रेंट्स हैं, डिस्काउंट रेट 5% है। अब ये आ गया आपके रिवाइज्ड लीज रेंट्स। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी कितनी होगी अब आपकी, उसका टेबल ड्रॉ करके हैं। तो लीज लाइबिलिटी टाइम पीरियड है आपका 0 ईयर, देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सो व्हाट विल बी लीज रेंट रेंट। तो अभी आपका देखो फर्स्ट ईयर में को रहेगा 50,000, ये ओरिजिनल चल रहा है। सेकंड ईयर में फिर ये रिवाइज हो जाएगा जिसे जो 54,000, यानी इट विल बिकम 60,000। तो पहले कैलकुलेट कीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी ऑन बेसिस ऑफ अवर प्रीवियस ईयर लीज रेंट, ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर लीज रेंट। अब देखिए फर्स्ट जो 0 पीरियड में है, इसमें तो आपका जो लीज रेंट है 50,000 ही चलेगा,
तीन सालों का, को इट मीन्स प्रीवियस ईयर लीग में जो आपका ओरिजिनली डिसाइड हुआ है जीरो पीरियड में, तो यहाँ पर आपकी जो लाइबिलिटी आ जाएगी जिस विल बी 50,000, इनको कर रखे हैं पी वी फैक्टर एट 5% फॉर 1-3 ईयर्स। सो लेट अस सी हाउ मच इट इज़, 1/1.05, 1-3, जिस फैक्टर 2.7-3, तो दिस विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी 50,000 इंटू 2.7-3, 136,150। अब आप आ जाइए फर्स्ट ईयर के एंड में, तो अभी ओरिजिनल जो चल रहा है अब आपका फर्स्ट ईयर में लीज रेंज है 50,000, सेकेंड ईयर से चेंज होगा आपका। इट मीन्स अगर सेकेंड ईयर में चेंज नहीं होता है आपका लीज रेंज 50 रहता है, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो आपको आने वाले 2 सालों में 50,000 ही पे करना पड़ेगा। इसका पी वी फैक्टर लीजिए 4 ईयर्स, नाउ ये आपका 1 बन जाएगा फ्रॉम हेयर टू हेयर 1 ईयर एंगल, सो दिस विल बिकम 1/2 ईयर। लेट अस सी 1/1.05 फॉर 2 ईयर्स, दिस इज 1.8594। सो दिस वैल्यू इज कमिंग 50,000 इनको 1.8594, 90,970। अब आप आ जाइए सेकेंड ईयर में एंड में, अब आपका लीज रेंज 54,000 हो गया है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी आप 54 ही पे करेंगे, तो उसमें उसके बेस पर कितनी लाइबिलिटी है आपकी 54,000। सो इनटू पी वी फैक्टर फॉर 1 ईयर, 1/1.05 जिसे 0.9524, सो 54,000 इंटू 0.9524, तो दिस अमाउंट इज 51,430। ये हमने देखो कैलकुलेट किया ओरिजिनल लीज रैंक की जो वैल्यूज हैं, फर्स्ट ईयर में 50 चल रहा था, सेकंड ईयर में 54 ही चल रहा था आपका, तो हमने जूम किया थर्ड ईयर में 54। अब कैलकुलेट करके हैं प्राइजिंग वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, लेकिन आपका लीज रैंक रिवाइव हो रहा है, इट मीन्स आपको कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तो बटी प्राइजिंग वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एट ए रिवाइज लीज रैंक। अब देखिए फर्स्ट ईयर में हमने कंसीडर किया था ओरिजिनल लीज रैंक 50, अब आपको पता है कि सेकंड ईयर से हमारा लीज रैंक 54 हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के एंड में डिटरमिन हो गया है जब इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स अब फ्यूचर में यदि आपका लीज रैंक चलता है 54,000 2 सालों का, तो उसका पी वी फैक्टर आपका 1.8594, इट्स वैल्यू इज कमिंग हाउ मच, तो इसकी देखो वैल्यू आ रही है 54,000 इंटू 1.8594, सो दिस 1,00,408, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका इंक्रीज इन लाइबिलिटी बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए सेकंड ईयर में, अब आपको पता लग गया कि थर्ड ईयर में लीज रैंक पे करने हैं 60,000, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लाइबिलिटी एट एंड ऑफ सेकंड ईयर ऑफ न्यू लीज रैंक, पी वी फैक्टर है आपका 0.9524, दिस अमाउंट इज कमिंग 60,000 इंटू 0.9524 जिसे 57,144, ये अमाउंट आपके कैलकुलेट हो गए हैं, पहले थे आपके 51,430। नाउ लाइक ऐसे 1/1 एम सी क्यू हैं आपके, लाइक नंबर 1 यार आस्किंग डिटरमिन अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी फॉर ईयर 1 ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीज रैंक इन योर बुक्स ऑफ एंटिटी ए विच इज लेसी, ये फर्स्ट एम सी क्यू हैं। सेकेंड ईयर आस्किंग डिटरमिन अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी फॉर ईयर 2 ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीज रैंक इन बुक्स ऑफ एंटिटी ए विच इज लेसी, तो लेट अस एम सी क्यू नंबर 1 को आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी इन बुक्स ऑफ एंटिटी ए हु इज लेसी। लेट अस से फर्स्ट ईयर में यह आपका है एम सी क्यू नंबर 1, वकील इंक्रीज इन लाइबिलिटी इन फर्स्ट ईयर, तो यह अमाउंट आ रहा है 1,00,408 माइनस 92,970, यह आपका इंक्रीज हो जाएगा लाइबिलिटी में, तो जैसे 1,00,408 माइनस 92,970 7,438 अमाउंट है आपके रुपीज में, सो 7,438। देन वी हैव एम सी क्यू नंबर 2, अब आपको कैलकुलेट करना है बाकी जो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इन ईयर 2, अब आपकी नई लाइबिलिटी है 57,144 और ओरिजिनल थी आपकी 51,430, तो दिस विल बी इंक्रीज इन लाइबिलिटी 57,144 माइनस 51,430,
जिसे जो रुपीज 571 हो। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर वन, किसी ऑप्शन नंबर बी, किसी ऑप्शन नंबर बी। फॉर एमसीक्यू नंबर सेकंड, किसी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 3, 4 एंड 5। इसमें देखो आपको कैलकुलेट करनी है कि करविन अमाउंट ऑफ डेप्रेशन को भी चार गुण आर यू एस एच फॉर ईयर 1, फॉर ईयर 2 एंड फॉर ईयर 3 बाई एंटिटी ए हुई की लेसी। तो तीनों एमसीक्यू हैं, कंबाइंड हैं। तो अब हम इसके लिए बना रहे हैं आर यू एस एच शेड्यूल। तो 3 साल की आपको डेप्रेशन कैलकुलेट करनी है, 3 साल की आपकी लीग है। तो लेटेस्ट राइट ईयर्स, ईयर्स आर 1, 2 एंड 3। तो पहले आप देखिए वट इज वैल्यू ऑफ एसेट, इनका बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। तो फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में आएगी जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी लीज रेंट की, लीज पेमेंट की, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 136,150। अब इसके ऊपर देखो आपकी डेप्रिसिएशन चार हो जाएगी, डेप्रिसिएशन पर एनम। तो फर्स्ट ईयर में अभी आपका जो टोटल टाइम पीरियड है 3 साल है, तो उसको 3 से डिवाइड कीजिए, डेप्रिसिएशन विल बी 136,150 डिवाइडेड बाई 3, 45383। ये आपकी माइनस हो गई, इसमें ऐड कर दीजिए। अब जो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज यानी लीग लाइबिलिटी एट एंड, और ये लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है एट एंड ऑफ ईयर, तो वो हमारी आर ओ यू एस एच में ऐड हो जाएगी 7438। क्योंकि इसकी एंट्री बन जाती है आर ओ यू एस एच टू लीग लाइबिलिटी अकाउंट, विच मीन्स अब एस एच के आगे आपकी नई वैल्यू, वैल्यू एट एंड, जिसे जो वैल्यू ऑफ एसेट एट एंड ऑफ ईयर। सो ये अमाउंट क्या आपका 136,150 माइनस 45383 प्लस 7438 98,205। ये बन गया आपका ओपनिंग बैलेंस 98,205। अब एसेट की वैल्यू रिवाइव हो गई है, इसको रिमेनिंग लाइफ में रिवाइव करेंगे। अब 2 साल की लाइफ रहेगी, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4,9,103, ये माइनस हो गई। लाइबिलिटी एक्टर को जो इंक्रीज हो रही है सेकंड ईयर में 5,714। तो आपका बैलेंस आ जाएगा अब आपका 4,9,102 प्लस 5,714 54,816। अब आपका लास्ट ईयर है, तो फुल अमाउंट ये आपका डेप्रिसिएशन में चार्ज हो जाएगा 54,816। बैलेंस रह गया आपका नेट। अब आप देखिए डिफरेंट एम सी क्यू जेर आस्किंग, तो एम सी क्यू नंबर है अब आपका जिसे जो 3, यानी एम सी क्यू नंबर 4 जेर आस्किंग बाकी डेप्रिसिएशन इन सेकंड ईयर, एम सी क्यू नंबर 5 बाकी की डेप्रिसिएशन इन थर्ड ईयर। तो डेप्रिसिएशन आ गई आपकी जिसमें 45383, 49103, 54816। तो यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें देखो आंसर आ रहे हैं अब आपके ऑप्शन से, जिसे जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 45383, देन ऑप्शन नंबर बी। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेप्रिसिएशन इज 49103, देन इट इज ऑप्शन नंबर ए, डेप्रिसिएशन इज 54816। तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ए केस सिनेरियो बेस्ड ऑन लीग इन AS 116 एंड वी डिस्कस ए रीमेजरमेंट ऑफ आर यू एस एच एंड लीग लाइबिलिटी ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन लीग पेमेंट। फॉर योर कॉपी वी विल कॉन्ट यू नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।